नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ त्रिवेदी आज आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ अपने गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। और जैसा कि हम जानते हैं कि गणित में एक सामग्री ऐसी भी है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि उसी सामग्री को बच्चे लेकर खेलने लगते हैं। वह सामग्री पहचानी आपने? हाँ, एक हिंट देता हूँ, चेक किट में भी वह सामग्री मौजूद थी। तो वह सामग्री है ब्लॉक। अगर हम ब्लॉक्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गणित किट में कुछ ब्लॉक्स दिए हैं, और कौन कौन से और कैसे ब्लॉक्स दिए हैं। तो गणित किट में हम देखते हैं कि गणित किट में 5 रंगों के ब्लॉक्स दिए हैं। कौन कौन से? लाल रंग के ब्लॉक्स, हरे रंग के ब्लॉक्स, पीले रंग के ब्लॉक्स, नीले रंग के ब्लॉक्स और नारंगी रंग के ब्लॉक्स। अब इन सभी रंगों के ब्लॉक्स की संख्या 10-10 है, तो कुल कितने ब्लॉक्स हो गए? 50। हाँ, गणित किट में कुल 50 ब्लॉक्स दिए हैं जिनके द्वारा बच्चों को हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करा सकते हैं। तो सबसे पहले गणित किट में ब्लॉक्स को क्यों रखा गया, इसका क्या उद्देश्य? गणित किट में ब्लॉक्स को रखने का उद्देश्य है बच्चों में संख्या और स्थानमान की समझ को विकसित करना। आ हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो हम ब्लॉक्स के द्वारा बच्चों को करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ब्लॉक्स के द्वारा पहली गतिविधि करा सकते हैं, मैं कौन हूं। तो मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ, ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूं, तो बच्चा बताएगा कि ये हरे रंग का ब्लॉक्स है, ये हरे रंग का ब्लॉक्स है। अच्छा, फिर पूछा किसी दूसरे बच्चे से, बता रही ये कौन, मैं कौन हूं, तो ये बोलेगा सर ये पीले रंग का ब्लॉक्स है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैं कौन हूं की गतिविधि। दूसरी गतिविधि है मैं कहाँ हूं। अब मैं क्या करता हूं कि दो ब्लॉक्स को ऐसे खड़ा कर लेता हूं और मैं पूछता हूं कि बताइए, ये पीला वाला पूछ रहा है कि मैं कहाँ हूं, तो बच्चे बताएंगे सर पीला वाला जो है नारंगी और हरे वाले के बीच में है। अब हरा वाला पूछेगा मैं किसके पास हूं, तो जब पूछेगा मैं किसके पास हूं तो बच्चे बताएंगे हरा, तो उत्तर क्या आएगा, मैं पीले वाले ब्लॉक्स के पास हूं। तो हम इस प्रकार की गतिविधियां जो है मैं कहाँ हूं, हम क्या करते हैं कुछ ब्लॉक्स को अंदर रखते हैं, जैसे मैंने कुछ ब्लॉक्स को मेज पर रखा है और कुछ ब्लॉक्स को बोर्ड पर रखा है। तो अब ये ब्लॉक पूछ रहा है कि मैं कहाँ हूं, तो बताएंगे बच्चे कि मैं बोर्ड पर हूं, और ये ब्लॉक्स कहाँ पर है, तो बच्चे बताएंगे ये ब्लॉक मेज पर है। ऐसे ही हम ब्लॉक को नीचे रख सकते हैं और ऊपर रख सकते हैं, तो मैं ऊपर हूं और मैं नीचे हूं। इसके अलावा हम अंदर और बाहर रख सकते हैं, तो बाहर रखेंगे तो ब्लॉक्स क्या, तो क्या कह सकते हो, मैं अंदर हूं, और जो बाहर होगा उसके लिए क्या कहेंगे, मैं बाहर हूं। तो हम इस प्रकार से बच्चों को अंदर बाहर की समझ, ऊपर नीचे की समझ, इसके अलावा कम ज्यादा की समझ यहां से विकसित करा सकते हैं। तीसरी गतिविधि जो है हमारी वह है वर्गीकरण करना, गिनना और लिखना। अब मैं क्या करता हूं कि मैं बच्चों से कहता हूं बेटा मेरे पास एक डंडी है जो कि ब्लॉक्स की बनी है, तो आपको क्या करना है इस ब्लॉक्स में वर्गीकरण करना है कि इस डंडी में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और कितने संख्या में हैं। तो अब बच्चे कहेंगे सर लाल, दो लाल हैं, दो हरे हैं, दो नारंगी हैं, दो नीले हैं और दो पीले हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों को वर्गीकरण करना, गिनना और लिखना, और बच्चे लिख के बता सकते हैं कि कितने कितने कौन कौन सी संख्या में ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा मैं कहता हूं कि संख्या बनाइए। अब अगर मैं बच्चों से कहता हूं बेटा एक संख्या बनाओ 18, तो बच्चे 18 किस प्रकार बनाएंगे, एक में रखेंगे 10 ब्लॉक और एक में रखेंगे 8 ब्लॉक, तो 10 और 8 18, कुछ इस प्रकार से। अब मैं बच्चों से कहता हूं कि बच्चों एक संख्या बनाइए, तो बच्चे ने कहा, मैंने कहा कि 11 बनाइए, तो अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा एक में तो 10 ब्लॉक रखेगा और एक में 1 ब्लॉक रखेगा, तो इस तरह से वो क्या करेगा 11 बनाएगा। तो हम इस प्रकार से बच्चों से
संख्याएं बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगली गतिविधि जो है वो है संख्या विस्तार कीजिए। और संख्या विस्तार करने में क्या है कि मैं बच्चों से कहता हूँ कि मान लो जो पीला वाला ब्लॉक है वो है 1000 का, हरा वाला ब्लॉक सैकड़े का है, नारंगी वाला ब्लॉक जो है वो दहाई का है, और लाल वाला ब्लॉक जो है वो इकाई का है। तो अब मैं बच्चों से पूछ सकता हूँ कि बताओ मैंने बेटा एक संख्या बनाई वो कितनी है। तो अब बच्चा कैसे बताएगा कि सर 2 है पीले, 2 है हरे, 3 है नारंगी और 1 है हरा लाल। इसका मतलब हो गया लाल का इकाई पर 1, दहाई पर 3, सैकड़े पर 2 और 1000 पर 2। तो संख्या हो गई 2231। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, बच्चों से संख्या विस्तार करा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अगली गतिविधि है वो है ब्लॉक चुनिए। अब मैं क्या करता हूँ, इन ब्लॉक्स को लगा लेता हूँ किसी एक पैटर्न में और बच्चों से कहता हूँ कि बेटा आपको क्या करना है, ब्लॉक चुनने हैं। ब्लॉक चुनने का मतलब होगा कि ब्लॉक बताइए। अब मैंने कहा ये टोटल ब्लॉक कितने हैं, बच्चे ने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब बच्चा बोला सर ये 11 ब्लॉक हैं। तो मैं कहूँगा कि इसमें से आपको नारंगी रंग के ब्लॉक चुनने हैं। तो नारंगी बच्चा चुनेगा, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये। इसने नारंगी वाले तीनों ब्लॉक चुन लिए, अलग कर लिए। तो अब मैंने कहा बताओ, अब नारंगी वाले जब तुमने 3 अलग कर लिए तो यहाँ कितने ब्लॉक बचे, तो 11 में से हमें कितने हटाने हैं, 3 हटाने हैं। तो आप गिन के बताएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चा कहेगा सर यहाँ पर 8 ब्लॉक बचे और नारंगी रंग के ब्लॉक कितने हो गए, 3 नारंगी रंग के ब्लॉक हो गए। अगली गतिविधि जो है वो है ब्लॉक जोड़िए। अब ब्लॉक जोड़िए को हम किस प्रकार कह सकते हैं कि मेरे पास मान लीजिए 5 ब्लॉक ये थे और 5 ब्लॉक ये थे। तो मैंने कहा बच्चों इन 5 और 5 ब्लॉक को जोड़ना है, तो हम क्या करें, हमने इनको जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद हम गिन सकते हैं कि कुल कितने ब्लॉक्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम इस प्रकार से बच्चों को ब्लॉक्स जोड़ने की गतिविधियां भी करा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आशा है वीडियो पसंद आया होगा। गणित से संबंधित और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।